नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और आदमखोर छोकरे। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। एक दिन प्रोफेसर पीपी ने हवलदार बहादुर को बुलाया और एक गुप्त कक्ष में ले गया। अबे पीपी, तूने ये लंबा लंबा क्या खड़ा कर रखा है? ये रॉकेट है लल्लू, मैं इसे चांद पर भेजने जा रहा हूं। इसके बाद हमारा देश भी अंतरिक्ष दौड़ में शामिल हो जाएगा। चांद की सैर तो मैं भी करना चाहता हूं यार। इसलिए तो तुझे बुलाया है, मैं अपने किसी भरोसे के आदमी को ही चांद पर भेजना चाहता हूं। तो समझ ले, तुझे भरोसे का आदमी मिल गया है। ठीक है, तो यही रुक, मैं अभी वापस आता हूं। जल्दी आइयो। अकेले रह जाने पर हवलदार ने हॉल का एक चक्कर लगाया। आई, ये क्या बला है? पंगेड़ी होने के नाते उन्होंने रोबोट की छाती पर लगा स्विच ऑन कर दिया। ढिसुम। अबे ओए, हवालात में सड़ा दूंगा। रोबोट पर इस धमकी का कोई प्रभाव नहीं हुआ। ओए, क्या कर दिया है उस आ, आ, आ। तभी प्रोफेसर पीपी वापस हॉल में आ रहा था। हवलदार बहादुर उससे टकरा गया। धड़ाम। ये क्या बदतमीजी है? घुर। ओए, बदतमीजी है वो जिसने मुझे हवाई जहाज बनाया है। हवालात में सड़ा दूंगा ससुरों को। तभी रोबोट बाहर आ गया। स्टॉप नंबर 6। ये तूने क्या चीज बनाई है पीपी? रोबोट, तुम्हें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए था। वो गलती हो गई यार। अब ये बता, मुझे चांद पर कब जाना होगा? पहले तुम अपनी पत्नी से वहां जाने की अनुमति ले आओ। हवलदार बहादुर तुरंत घर पर जा पहुंचे। ओए चंपी, मैं चांद पर जा रहा हूं। लगता है बावले कुत्ते से कटवाकर आ रहे हैं वो। ओए नहीं, खसमानुखानी, मैं सच कह रहा हूं। पीपी मुझे रॉकेट पर बिठाकर चांद पर भेज रहा है, और मैं पीपी को अपने बेलन पर बिठाकर मंगल पर भेज सकती हूं। बात को समझा कर यार, चांद पर जाने के बाद मैं हीरो बन जाऊंगा, तो फिर मुझे भी हीरोइन बनना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, और मन ने भी चांद पर चलना है। इसके लिए तो मुझे फिर से पीपी से पूछना होगा। हवलदार बहादुर की जिद देखकर पीपी ने चंपा कली और टून को भी भेजने की हामी भर ली, और चांद पर जाने की तैयारी शुरू हो गई। ये साड़ी और गहने भी रख लेती हूं। ओए, इन चीजों को वहां क्या करेगी? फुफा जी, मैंने 3 रजाइयां बांध ली है, एक खाट भी साथ ले लो क्या? नहीं, फोल्डिंग पलंग ले चलेंगे टून। ओए, तुम दोनों का दिमाग चल गया है? हम चांद पर जा रहे हैं, ना कि झुमरी तलैया। अजी, कहीं भी जाएं, जरूरत का सामान तो लेकर जाना ही है। फोन की घंटी बजी तो हवलदार ने रिसीवर उठाया। हवलदार बोल रिया हूं। खड़क सिंह हेयर, तुरंत ड्यूटी पर पहुंचो, कुछ जरूरी काम है। अई, मुझे तो चांद पर जाना है, इससे कुछ बहाना बना देता हूं। बात यह है जी कि मेरी पत्नी टांग तोड़ बैठी है, इसलिए मैं 10-15 दिन ड्यूटी पर नहीं आ सकूंगा। मामला पत्नी का है तो तुम क्यों नहीं आ सकते हो? बात यह है जी, पत्नी ने जो टांग तोड़ी है वो मेरी ही तो है। उल्लू का चरखा। उसी शाम पहुंच गए पीपी के घर। प्रोफेसर पीपी ने उनको देखकर आंखें तरे ली। तुम लोग चांद पर जाने के लिए आए हो या शिकारपुर जाने के लिए? यह हमारी जरूरत का सामान है और इसे हम लेकर ही जाएंगे। ठीक है ठीक है, रॉकेट में सवार हो जाओ। इसको उड़ाएगा कौन पीपी? ये रहा आप लोगों का पायलट, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये पंगेड़ी रोबोट है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। अजी डरते क्यों हो? इसने कोई गड़बड़ की तो मैं बेलन ठोक दूंगी इसके मुंह में। ये कोई गड़बड़ नहीं करेगा,
क्योंकि इसके भीतर अत्यंत आधुनिक कंप्यूटर फिट है। आपके रॉकेट को यही कंट्रोल करेगा। ठीक है, रोबोट के मार्गदर्शन में वे रॉकेट के भीतर पहुंच गए। बड़ी नरम सीट है। तभी कंट्रोल रूम में पीपी का स्वर गूंजा, मैं उल्टी गिनती शुरू कर चुका हूं, रॉकेट उड़ने को तैयार है। मन ने तो डर लग रिया है। चुब्बे, डरता है तो आया क्यों? कुछ नहीं होगा टुंड बेटे। कुछ ही क्षण बाद सुन, फिर रॉकेट उड़ चला। उस कुछ ही क्षणों में वो आकाश की ऊंचाइयों में खो गया। इधर रॉकेट के भीतर, ओए बचाओ, मारी छाती पर कौन बैठा है? मारा गला दबा रियो है मिस्टर टून? ये धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकलने का दबाव है, अभी समाप्त हो जाएगा। अब हम पर से दबाव हट गया है, लोग अपनी सीट बेल्ट खोल सकते हैं। चंपाकली ने बेल्ट खोली तो वह गैस का गुब्बारा बन गई। उई अरे चंपाकली, तू कहाँ चली? मारी फुप्पी उड़ गई। मुझे नीचे उतारो वरना बेलन खींचकर मार दूंगी। डरिए नहीं मैडम, अंतरिक्ष में हर चीज भार विहीन हो जाती है, इसलिए उड़ने लगती है। आप खुद नीचे आने की कोशिश कीजिए। हवलदार और टून ने भी अपनी बेल्ट खोल दी। आज तो पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, मजा आ रहा है फुफा। तभी रॉकेट में एक भयानक स्वर गूंज उठा, पों। आई, क्या ये रोबोट भी मूली के पराठे खाता है? आप चुप रहिए, ये खतरे का सायरन है। खतरा? अबे रोबोट भाई, कैसा खतरा? हम मार्ग भटक गए हैं, रॉकेट अब चांद की ओर नहीं जा रहा है। आई तो फिर किधर जा रिया है? मुझे कुछ पता नहीं, हवालात में सड़ा दूंगा साले। तू पायलट है और तुझे ही कुछ पता नहीं? पीछे हटो। आई, मेरे पति को मारता है, घुर ये ठोक दूंगी। छनाक, अगले ही पल फटाक, पुट फुट फटाक। मारी फुफी ने बाजो बजा दिया यक्को। ओए चुप कर, इसके भीतर शॉर्ट सर्किट हो गया है। धड़ाम, रोबोट नीचे गिरकर निश्चेष्ट हो गया। ओए चंपी, तेरे बेलन ने हमारा सर्वनाश कर डाला है। रॉकेट बिना पायलट के उड़ रहा है, पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया? टोन की नजर स्क्रीन पर पड़ी। ओए फुफा, देखो कितनी बड़ी गेंद। ओए बाबले की चट्टी, ये गेंद नहीं है, कोई ग्रह है। पता नहीं हम कहाँ पहुंच गए हैं। अजी, तो तुम रॉकेट को रोको ना। कोशिश करता हूँ। ओए फुफा, गेंद बड़ी हो रही है। तभी रॉकेट को झटका लगा और उसकी गति बढ़ गई। धड़ाम, वास्तव में रॉकेट उस अनजान ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया था और ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। कुछ ही देर बाद धड़ाम, हाय मर गई। लगता है हम उस ग्रह पर उतर गए हैं, तो फिर बाहर चलकर देखना चाहिए। किसी प्रकार वे रॉकेट का दरवाजा खोलने में सफल हो गए। अरे यहां तो पेड़ पौधे और चट्टाने भी हैं, मुझे तो लगता है यहां जीवन है, कोई जाति यहां अवश्य रहती है। ओए शेर आई, है तो बागी मगर यो घास क्यों खा गया है? बाघ की नजर उन पर पड़ी तो उसकी पूंछे टांगों के बीच चली गई। पौ, अगले ही पल मैं टी टी वो मुझसे डरकर भाग गया है। अजी बस रहने दो, मुझे तो लगता है कि ये के शेर बकरी की तरह डरपोक है। तभी उनके कानों से संगीत का स्वर टकराया। हैं, यो बाजो कौन बजा रियो है? आओ देखते हैं। चट्टान के पीछे उन्हें एक मानव दिखाई दिया। ओए यहां तो आदमी भी रहते हैं, बल्ले बल्ले। पुड़ाचा? पुड़ाचा नहीं, मेरा नाम हवलदार बहादुर है, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई।
पोड़ा पोड़ पड़िया। ओए यार हाथ मिलाना, हम बहुत दूर से आए हैं। घोड़ा चौड़ा चूर चूर पोड़ू पड़। ओए रुक तो। जाने दो जी, मुझे तो लगता है कि वो हमारी भाषा नहीं समझ सका और हमें शत्रु समझकर भाग गया। आई तो क्या यहां के रहने वाले जानवर और इंसान सभी डरपोक हैं? ऐसा ही लगता है। ये तुम्हारी हवलदारी, यहां तुम्हारी हवलदारी खूब चल सकती है। ओ चुप। ये लोग उसी दिशा में चलते रहे जिधर वो व्यक्ति भागा था। कुछ देर चलने के बाद, अरे ये कैसी इमारत है? तभी उस इमारत में एक दरवाजा खुला और एक बालक बाहर निकला। सर, ओए ये कैसा बच्चा है? आदमी का तो लगता नहीं, लेकिन अगर ये बालक है तो इसका बाप भी होगा फूफा। हाँ बे लौंडे, जरा अपने बाप को बाहर बुलाइयो। सूर्या सुड़ा सड़ा। ओह ये भी वही भाषा बोल रहा है। मैं इसे इशारों में अपनी बात समझाता हूँ। हवलदार ने उसे इशारों से समझाया कि वे लोग आकाश मार्ग से यहाँ आए हैं। और फिर उन्होंने बालक की ओर हाथ बढ़ाया। बहुत अच्छे लोग हैं वे। हम हाथ मिला पड़ाच। बालक बालक ने हाथ पकड़कर ना जाने क्या किया कि हवलदार जी चक्कर घिन्नी बन गए। धाड़ ओए। ओए फूफा, एक बालक ने तुम्हारी धड़ाम बुला दी। घुर, हवालात में सड़ा दूंगा साले को। बालक की आंखों से किरणें निकलकर हवा हवलदार की छाती से टकराई। उफ, आई फुफा को अटकाए बिना ही लटका दिया। ओए मुझे नीचे उतारो। लटक के? लटक कैसे किया? ये साधारण बालक नहीं है, इसकी आंखों में कोई शक्ति है। उस बालक ने अपनी ओर आते बेलन की ओर देखा। ठक, आ फोड़ दिया बे। टोंट कुछ करता इससे पहले इमारत से कुछ और बालक बाहर आ गए। आई उफ धार। टुटास टुस टुस रे टसरा। होई यास। बालक उन तीनों से निपट गए। ओए क्या करते हो? ये तो चिपक गए हैं फुफा। अबे वो गुटको छोड़ दो। यहाँ के बच्चे हमारे बच्चों से अधिक खुरापाती हैं। सालों ने बेबस कर दिया है। कुछ समझ नहीं आता। यहाँ का बाढ़ डरपोक और बड़ा आदमी कायर, और ये छोटे बालक इतने चालाक फुर्तीले हैं। पीले बालक ने अपने बेल्ट में लगे यंत्र को निकाला। चुड़ चुड़ चुड़ास। ये पीलिया की बीमारी वाला इनका लीडर है शायद। कुछ ही क्षण बाद, ओए वो तो उड़न तस्तरी है। इसका अर्थ है कि हम किसी उन्नत ग्रह पर आ पहुंचे हैं और इन बालकों ने हमें अपना खिलौना समझकर पकड़ दिया है। तो फिर हमें चुपचाप रहकर देखना चाहिए कि ये हमें कहाँ ले जाते हैं। हो सकता है कि इनके माँ बाप हमें देखकर हमारी बात समझ ले। चालकों ने उनको वाहन पर चढ़ा दिया। हुस, कुछ ही देर बाद, हाय रब्बा ये तो पूरा शहर है। ओए यहाँ केवल बाड़क ही दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है। ऐसा लगता है कि यहाँ इन बच्चों का शासन है। एक भी बड़ा आदमी दिखाई नहीं देता। उनका वाहन अचानक तेजी से नीचे उतरने लगा। हम उतर रहे हैं। वाहन से उतरकर लोग एक पिरामिड नुमा इमारत के बाहर पहुंचे। तभी इमारत का एक दरवाजा खुला और घसीला घुसड़। ओए कहाँ घुसे दिया है? इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।